जो रहते हैं उजालों में, जो रहते हैं अंधकार में, जो रहते हैं शब्दों में, जो रहते हैं निशब्द में, जो रहते हैं ब्रह्मांड की शून्यताओं में, जो रहते हैं पृथ्वी के परिपूर्णताओं में, इस संसार के जीवन मृत्यु के चक्र में सदा सर्वदा वो ही विद्यमान है, जो है जगत के नाथ प्रभु श्री जगन्नाथ। आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जो इंडिया के उड़ीसा राज्य के पुरी में बसने वाले श्री जगन्नाथ मंदिर के बारे में है। यह कहानी इतनी शक्तिशाली और रहस्यमयी है कि इसे समझ पाना साइंस के बस की बात नहीं है। दुनिया के सारे ग्राउंड बिलीव यहाँ सब फेल हो जाते हैं। हिंदू मान्यता में चार धाम होते हैं, बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश धाम, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। और यह कहानी है जगन्नाथपुरी की, जहां पर आज भी श्री कृष्ण का वास्तविक दिल धड़कता है। हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते करते एक स्थिति में पहुंच गए हैं जहां भगवान के होने या न होने पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। पर यही सवाल अब मैं आपसे इस वीडियो के बाद पूछूंगी। जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत के स्वामी होता है। इनकी नगरी जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है। हर मंदिर में जहां मूर्तियां मेटल स्टोन से बनती हैं, वहीं जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्तियां लकड़ी से बनी हुई हैं। ऐसा क्यों, आइए बताती हूँ। भगवान कृष्ण ने एक महान जल प्रलय के माध्यम से यदुवंश का अंत किया। अब भगवान कृष्ण के लिए सांसारिक दुनिया को छोड़ने और द्वापर युग का अंत करने का समय आ गया था। इस प्रक्रिया में वह द्वारका के पास के जंगलों में भटक रहे थे, जब जारा सवर नाम के एक आदिवासी शिकारी ने उन्हें अनजाने में हिरण समझकर अपने तीर से मारा। जब जारा को अपनी गलती के बारे में पता चला तो वह रोने लगा। उसने भगवान कृष्ण से क्षमा करने के लिए कहा। भगवान कृष्ण ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, यह घटना उनके अवतार को समाप्त करने के लिए पूर्व निर्धारित थी। भगवान कृष्ण ने जारा को अपने शरीर को जलाने और राख को रात को समुद्र में विसर्जित करने के लिए कहा, पर जब उनकी चिता शांत हुई तो सारा ने देखा कि एक चमकने वाली मेटल की चीज अभी तक जली नहीं थी। जारा को यह समझ नहीं आया था कि ये है क्या। हालांकि जैसा आदेश दिया गया था, उसने कृष्ण के अवशेषों को समुद्र में विसर्जित कर दिया, जो बाद में एक दिव्य लकड़ी के रूप में तैरते हुए पुरी के समुद्र तट पर पहुंचा। गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रद्युम्न, जो कि विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, उन्हें एक दिन सपने में आकर विष्णु जी ने एक नदी में डुबकी लगाने को कहा और यह भी कहा कि एक लकड़ी के तने में तुम्हें उस नदी में मैं मिलूंगा। इस सपने को देखकर अगले ही दिन राजा डुबकी लगाने चले गए। डुबकी लगाते वक्त राजा को नदी में थोड़ी ही दूर एक लकड़ी का तना भी दिखा। बिना देर किए राजा तने तक पहुंचे और उस तने को महल में ले आए। फिर राजा ने कुछ बहुत नामी काश्तकारों को बुलाया, पर उनमें से कोई भी उस लकड़ी से मूर्ति नहीं बना पाया। कई दिन बीत जाने के बाद एक काश्तकार महल में आया और उसने राजा से कहा कि यह मूर्ति मैं बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा ने काश्तकार से उसकी शर्त पूछी। क्योंकि राजा किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार थे, तो काश्तकार ने कहा कि मूर्ति बनाने के लिए मुझे पूरे 21 दिन का समय चाहिए और मैं चाहता हूँ कि 21 दिन से पहले न तो कोई मुझसे बात करे, न मिले और न ही मेरे किसी भी काम में विलम्ब डाले। राजा ने खुशी खुशी यह शर्त मंजूर कर ली। मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ। रोज मूर्ति बनने की आवाजें भी आती थीं, पर धीरे धीरे आवाजें बंद हो गईं। अवंती रानी को लगा कि बूढ़ा आदमी बिना भोजन और पानी के भूख प्यास से मर गया होगा। रानी ने इंद्रद्युम्न से उस बूढ़े व्यक्ति को बचाने का आग्रह किया। इंद्रद्युम्न ने अपनी इच्छा के विपरीत दरवाजा तोड़ दिया। जैसे ही दरवाजा खुला तो उन्होंने यह देखा कि वहां कोई काश्तकार था ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ तीन मूर्तियां थीं। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा, और उसी जगन्नाथ जी की मूर्ति में मेटल वाली चीज भी रखी गई थी, जो कि कुछ और नहीं, श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल था। यह कोई नॉर्मल ह्यूमन हार्ट नहीं है, यह इंडियन एडवांस टेक्नोलॉजी का क्लियर सबूत है। यह हाई एनर्जी ट्रांसमिट करता है और हम सब ने यह तो पढ़ा है, दी स्टोन्स एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वुड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भगवान जगन्नाथ का रहस्य आज तक कोई भी नहीं जान पाया है। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को हर 12 साल में बदला जाता है। यह इसलिए किया जाता है क्योंकि जो एनर्जी ट्रांसमिट डिवाइस साइंटिफिकली उस मूर्ति में होता है, वह इतनी एनर्जी ट्रांसमिट करता है जिससे लकड़ी की बनी मूर्तियां खराब हो जाती है, और इसीलिए उसे बदलने की जरूरत होती है। इस दौरान पूरे शहर की रोशनी बंद कर दी जाती है। बिजली बंद करने के बाद मंदिर के पूरे परिसर को घेर लिया जाता है।
सीआरपीएफ अब सेना के संरक्षण में आने के बाद मंदिर में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। पुजारी की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, उनके हाथों में मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं। मंदिर के अंदर घोर घने अंधकार के बीच पुजारी उस पदार्थ को बाहर निकलता है, फिर उसे नई मूर्ति में स्थापित कर देता है। इसी भगवान श्री कृष्ण के हृदय को ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। इस ब्रह्म पदार्थ के रहस्य को आज तक कोई नहीं जान पाया। सैकड़ों वर्षों से एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में यह ब्रह्म पदार्थ स्थानांतरित किया जाता रहा है। खास बात यह है कि ब्रह्म पदार्थ को बदलने वाला पुजारी भी यह नहीं जानता कि वह किस चीज को छू रहा है, क्योंकि उसके हाथों में दस्ताने होते हैं और आंख में पट्टी बंधी होती है। हालांकि ब्रह्म पदार्थ को बदलने वाले पुजारी यह जरूर कहते हैं, इसे हाथों में पकड़ने पर ऐसा लगता है जैसे जिंदा खरगोश पकड़ लिया हो। माना यह भी जाता है कि अगर किसी ने ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उसकी मौत उसी समय निश्चित है। जगन्नाथ रथ यात्रा का रहस्य। उड़ीसा के पुरी में निकलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा 500 सालों से चली आ रही परंपरा का एक हिस्सा है। इसके बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में भी वर्णन किया गया है। इस यात्रा का मुख्य आकर्षण हजारों लोगों द्वारा पारंपरिक वाद्य यंत्रों के बीच बड़े बड़े रथों को मोटे मोटे रस्सों से खींचना। इसमें भगवान जगन्नाथ के साथ साथ भाई बलभद्र जी व बहन सुभद्रा जी का रथ होता है। मान्यता है कि इन रथों को खींचने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह यात्रा 9 दिनों तक चलती है। यह एक ऐसा उत्सव है जिसमें भगवान स्वयं रथ पर घूमने निकलते हैं। इस उत्सव में भगवान रथ पर सवार होकर पूरे नगर का भ्रमण करते हैं। रथ यात्रा के दौरान हर साल एक घटना घटती है, वह इस दिन बारिश का होना है। इस बात का इतिहास गवाह है कि रथ यात्रा का कोई भी साल ऐसा नहीं गुजरा जब रथ यात्रा के दौरान बारिश नहीं हुई। इस पर कई बार बुद्धिजीवियों में चर्चा हुई। यह कहा गया कि यह मात्र एक संयोग है। संयोग कुछ बार तो हो सकता है, लेकिन सालों से रथ यात्रा के दौरान बारिश का होना कोई संयोग नहीं है। उन पर आस्था रखने वाले लोग मानते हैं कि यह भगवान जगन्नाथ का चमत्कार ही है। हवा के विपरीत लहराता मंदिर का ध्वज, भगवान जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लहराता ध्वज बहुत रहस्यमयी है। यह ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है, यानी अगर यह हवा पूरब से पश्चिम की ओर बह रही है तो यह ध्वज पश्चिम से पूरब की ओर लहराएगा। ऐसा किस वजह से होता है, यह तो वैज्ञानिकों के लिए भी चुनौती है। इसके साथ ही हर रोज ध्वज को बदलने का नियम है। ऐसी मान्यता है कि अगर किसी भी दिन इस ध्वजा को नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर जगन्नाथपुरी मंदिर में 500 रसोइये अपने 300 सहयोगियों के साथ मिलकर भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद बनाते हैं। लगभग 20 लाख भक्त यहां भोजन कर सकते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद चाहे कुछ हजार लोगों के लिए ही क्यों न बनाया गया हो, लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भर सकता है। हर दिन इस रसोई में बना प्रसाद श्रद्धालुओं में बांटा जाता है। सुबह श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में पहुंच जाती है। लेकिन इस रसोई से जुड़ी सबसे रोचक बात यह है, न तो यहाँ पर बना भोजन कभी कम पड़ता है, न ही कभी व्यर्थ जाता है। लोगों की माने तो सारा दिन इस रसोई से श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटा जाता है। प्रसाद कभी कम नहीं होता, लेकिन जैसे ही मंदिर में प्रवेश बंद करने का समय आता है वैसे ही प्रसाद खत्म हो जाता है। जहां एक भी अन्न का दाना व्यर्थ नहीं जाता। इसे श्रद्धालुओं द्वारा भगवान जगन्नाथ की माया माना जाता है। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे साल भर के लिए रहती है। इसके साथ ही किसी भी चीज की एक भी मात्रा व्यर्थ नहीं जाती। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। सब कुछ लकड़ी के ऊपर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि सबसे ऊपर वाले बर्तन का प्रसाद सबसे पहले बनता है, जबकि नीचे वाले बर्तन का प्रसाद आखिरी में तैयार होता है। हाँ, मुझे पता है आपको भी अभी कुछ नहीं समझ आ रहा होगा। इसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। इस मंदिर की खूबसूरती शब्दों में नहीं बताई जा सकती। इतना बड़ा मंदिर इतने सालों पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी के कैसे बनाया होगा? पर क्या आपको पता है 214 फीट के इस मंदिर की डोम की परछाई आज तक कभी बनी ही नहीं, और हमारी फेवरेट साइंस इस बात का भी लॉजिक नहीं ढूंढ पाई। रहस्य अभी खत्म नहीं हुए हैं। जैसा कि हमें पता है कि कुछ बिल्डिंग्स आर्किटेक्चरल एरियाज नो फ्लाई जोन होते हैं, मतलब
वहां ड्रोन प्लेन से कोई भी मैनमेड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पहुंचाने की या उड़ाने की परमिशन नहीं, पर पक्षियों को तो हम नहीं रोक सकते। उन्हें समझाना तो बहुत मुश्किल है ना, पर अगर हम जगन्नाथ टेम्पल की बात करें तो वहां पर ऐसा कुछ है जो शायद पक्षियों को पता है और हमें नहीं, क्योंकि इस मंदिर के ऊपर कोई भी ड्रोन, कोई भी प्लेन या कोई भी पक्षी कभी उड़ता ही नहीं। आपने देखा होगा ना मंदिर के डोम पर या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर बर्ड्स को बैठे हुए। कभी जगन्नाथ पुरी जाएंगे तो देखिएगा जगन्नाथ मंदिर की छत पर पक्षी आराम नहीं करते। आप कभी भी किसी भी पक्षी को जगन्नाथ टेम्पल की छत पर या उसके डोम पर बैठा हुआ नहीं देखेंगे। पर कंफ्यूज करने वाली बात यह है कि कैसे एक बेजुबान पक्षी यह जानता है कि इस मंदिर के ऊपर से उड़कर नहीं जाना। अगर आपको कहानी जानने में और सुनने में मजा आ रहा है और आप ऐसी ही नई नई चीजें और कहानियां जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आइए फिर से चलते हैं जगन्नाथ मंदिर की मिस्ट्री की तरफ। जगन्नाथ पुरी के मंदिर की गुंबद के ऊपर सुदर्शन चक्र लगा है। ऐसा कहा जाता है कि पुरी में आप कहीं पर भी खड़े हो, हर जगह से मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को आप देख सकते हैं। इस चक्र की बनावट इतनी अद्भुत है कि आपको किसी भी दिशा से देखने पर लगता है कि सुदर्शन चक्र आपके सामने ही है, यानी यह हमेशा सामने ही दिखाई देता है। इसे नीलचक्र भी कहा जाता है। यह अष्ट धातु से बना है। इसे बेहद पवित्र माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर में लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था और प्यार भगवान के लिए लेकर आते हैं, पर इस मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को दर्शन करने की अनुमति है। किसी भी और धर्म के इंसान को दर्शन बाहर से ही करवाए जाते और दर्शन करवा कर भेज दिया जाता है। जैसे कि हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी, वह भी जगन्नाथ पुरी गई थी दर्शन करने पर, क्योंकि वह फारसी है और हिंदू नहीं, और उन्हें उनका सरनेम फिरोज गांधी से मिला है, इसीलिए इंदिरा गांधी को भी दर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई। हमारे सनातन धर्म ने सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं को जीवंत रखा है, लेकिन हम इसे भूल गए हैं और अनजाने में अन्य कल्चर और ट्रेंड के पीछे भाग रहे हैं। अब हमें अपने सनातन धर्म को बचाने की जरूरत है। अगर कोई सनातन का विरोध करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब कौन कौन देगा? तो अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है भगवान सच में होते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।